डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस की हद में मोबाइल चोरों ने आतंक मचा रखा है। बीते कुछ दिनों से शहर में हो रही मोबाइल छीना झपटी और चोरी की वारदातों से नागरिकों में भय का वातावरण है। चोरों पर नकेल कसने के इरादे से पूर्व प्रादेशिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय कराले और परिमंडल 3 के DCP विवेक पंसारे के मार्गदर्शन में मानपाड़ा पुलिस की टीम ने मुस्तैदी से जाँच पड़ताल करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दावड़ी रोड स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी होने वाली है, ऐसी गुप्त जानकारी मानपाड़ा पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 25 तारीख की रात 2 बजे करीब जाल बिछाकर 6 लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान 3 बदमाश भाग गए, जबकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से पुलिस ने 15 विभिन्न कंपनियों के स्मार्टफोन, एक गुप्ती लोहे के औजार समेत कुल 82,600 रुपये के मुद्दे माल बरामद किए हैं। गिरफ्तार किया आपने चोरी के आरोप में, क्या कहेंगे? 2 गुने हम लोगों ने डिटेक्ट किए, उसमें से एक जो है IPC 394, इसमें आरोपी फजल आयुब कुरैशी, इसको अरेस्ट किया गया है। इसने इसके पहले 7 से 8 गुने किए, इसने कल्याण चौक में बाजार कोयसे वाली इस पुलिस स्टेशन में गुने किए। उसको अटक करने के बाद अलग अलग गुने की उसने कंप्लेन दी है और उसमें से अब तक 6 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किए हैं। उसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई और इंटरोगेशन में और कुछ ज़्यादा इसके गुने जो इसके पहले किए है उसका डिटेक्शन होने की संभावना। सर, किस तरह ये चोरी करते थे और क्या इनका? ये चेन स्नैचिंग जैसे करते हैं, वैसे मोबाइल स्नैचिंग का इसका यू भी है। रास्ते से जो अकेले औरत या आदमी जाता है उसकी मोबाइल स्नैचिंग करके भाग जाना, ऐसी यू भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है। इसके ऊपर 6 गुने पहले दाखिल है, उसके भी इससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। हम मालूमत ले रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।